अयोध्या में सपा नेता की हवस का शिकार मासूम, 12 साल की मासूम संग दुष्कर्म, अब हुई गर्भवती। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अयोध्या की सीट बीजेपी के हारते ही चर्चा का विषय बन चुका था। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने बीजेपी की खूब किरकिरी कराई और खूब मजे लिए। लेकिन अब जीते हुए सांसद अवधेश प्रसाद के क्षेत्र में 12 साल के मासूम संग सामूहिक दुष्कर्म की खबर ने सबको हिला दिया है। खबर है कि ये आरोपी मोहित खान सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है। कुछ फोटोज भी अवधेश प्रसाद के साथ उसके वायरल हुए। जानकारी के मुताबिक 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में समाजवादी पार्टी के भदरसा नगर अध्यक्ष मोहित खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित के परिजनों को मामले की जानकारी जब तक होती है तब तक बच्ची गर्भवती हो जाती है। हैरान करने वाली बात है कि आरोपी मासूम को बिस्किट के बहाने दरिंदगी करता था। हालांकि हैरान तो इस बात पर भी लोग हैं कि सांसद अवधेश को इस खबर की भनक तक नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये सवाल इसका जवाब क्या है तो उन्होंने कहा अंग्रेजी में कि मुझे नहीं मालूम है। इस बात की जानकारी मैं लेता हूँ, सुनिए। कहीं क्षेत्र से और आप कहीं पार्टी के एक नेता पर आरोप लगा है, नगर अध्यक्ष है, उन पर आरोप लगा एक माइनर लड़की से रेप का, क्या कहना है सर आपका? मैंने भी कहा कि आई एम नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट अनलेस अनटिल, जब तक हमको कोई जानकारी न हो तो आई एम नॉट एबल टू से, आई एम नॉट एबल टू अटर एनीथिंग एनी वर्ड्स रिगार्डिंग मैटर। अब हम जानकारी ले लेंगे तब कोई बात आपसे बता पाएंगे सर। लेकिन हर जगह मीडिया में ये बातें सामने है, फोटो वीडियो सब कुछ सामने है। लेट मी नो अबाउट द एक्सीडेंट्स, अबाउट द मैटर, व्हाट एवर यू लाइक टू आस्क मी, सो लेट मी इंक्वायर, लेट मी सी, तभी तो हम बोल पाएंगे। एक किस्सा तो आपने सुना ही होगा कि अंग्रेजी बोल बोल के कैसे फंसाया जाता है। जब इनसे दुष्कर्म पर सवाल पूछा गया और ये पूछा गया कि वो सपा का करीबी है तो उन्होंने कहा कि वो अभी इस घटना के बारे में नहीं जानते। दिल दहल उठता है ऐसी खबरों से जब नेता हर खबर पर अपनी पार्टी और तेरी पार्टी मेरी पार्टी शुरू कर देते हैं और फिर हिस्ट्री गिनवाते हैं कि तुम्हारे टाइम पर ये हुआ, मेरे टाइम पर तो यही हुआ। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।